सर, आलमी कप क्रिकेट का जो है वो भारत में जारी और सारी है, तो क्या लगता है कि हमारे शहीन सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे? लगता तो नहीं है, जैसे इनकी कारकर्दगी है शुरू से तो ऐसे लगता है जैसे बड़े पुरजोश हैं, और उम्मीद तो ऐसी होती है जैसे आज का मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन जब स्टार्टिंग होती है ऐसे लगता है जैसे या तो फिक्स हुआ है, बिल्कुल कारकर्दगी जीरो सिफर हो गई है इनकी। हमारी जो मैनेजमेंट की पीछे से जो इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फिक्सिंग चल रही है मैच की। मेरा ख्याल है नहीं, चेंज कर देना चाहिए बाबर आजम को। कौन आना चाहिए आपके ख्याल में? रिजवान को होना चाहिए, और वो एक ऐसा प्लेयर है कि मुझे लगता है कि वो पूरी टीम को लेके चल सकता है। पर्चियां कितनी हैं इस टाइम पाकिस्तानी टीम में? अच्छी तो डेफिनेटली सारी पर्चियां, मैं देखूं तो 7 11 के 11 पर्चियां, 15 के 15 पर्चियां, के 15। इसमें एक चाचा इफ्तिखार को निकाल दो। रिजवान क्या मतलब क्या करता है? कोई मुझे फाइनली कोई नजर नहीं आता। फाक से अगर 100 रन और भी जाते हैं तो इसे गेम नहीं कहते। बेसिकली आप अफगानिस्तान को देख लो यार, कुछ थोड़ी बहुत ही हया शर्म होती है, वो भी नहीं हमारे अंदर, जहाँ पे हमारे इतने सीनियर प्लेयर बैठे हैं। मोहम्मद आमिर द मोस्ट फेवरेट प्लेयर है वो इस वक्त पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया के जबरदस्त बॉलर है। अगर उसके साथ अपनी जाती राय और जाती इख्तलाफात रखी जाए तो फिर ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हक के लिए नहीं खेल रहे। तो इमाम आपने पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी नहीं, टकेगी परफॉर्मेंस? पहले कौन सी परफॉर्मेंस थी उसकी? सर, आलमी कप क्रिकेट का जो है वो भारत में जारी और सारी है, तो क्या लगता है कि हमारे शहीन सेमीफाइनल में क्वालिफाई करेंगे? लगता तो नहीं है, जैसे इनकी कारकर्दगी है शुरू से तो ऐसे लगता है जैसे बड़े पुरजोश हैं, और उम्मीद तो ऐसी होती है जैसे आज का मैच हम जीत जाएंगे, लेकिन जब स्टार्टिंग होती है ऐसे लगता है जैसे या तो फिक्स हुआ है, तो यहाँ इनके खेलने वाले जो इनके प्लेयर्स हैं, इनके जज्बात जो हैं बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। इस दफ़ा उम्मीद तो नहीं लग रही इस दफ़ा कि हम भारत में कोई ऐसी कारकर्दगी दिखाएंगे कि हमें आगे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में या आगे क्वालिफाई करते हुए नजर आए, बिल्कुल नहीं। स्टार्टिंग में कितनी उम्मीद थी आपको? स्टार्टिंग में तो इस तरह की उम्मीद थी कि जैसे पुरजोश है पूरी टीम, और हमें जज्बों से लग रहा था कि हम इस दफ़ा इंशाल्लाह भारत में विन करके आएंगे, लेकिन जैसे जैसे ये डे बाय डे मैच चल रहे हैं बिल्कुल कारकर्दगी जीरो सिफर हो गई है इनकी। तो आप किसको कसूरवार करार देंगे इसमें? ये मैनेजमेंट भी है इनकी, और सबसे बढ़ के ये है कि इसमें जो हमारी जो मैनेजमेंट की पीछे से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे फिक्सिंग चल रही है मैच की, फिक्स होता है मैच। बाबर आजम की कैप्टनसी के बारे में क्या कहेंगे? इस दफ़ा तो बिल्कुल नहीं है कि वो क्वालिफाइड कर पाएगा, और उसने टीम को इस दफ़ा बिल्कुल भी वो मोराल नहीं दिया जो देना चाहता था और वो दे रहा था, इस दफ़ा तो बिल्कुल नज़र नहीं आया। तो क्या लगता है कि मजीद उनको आगे कैप्टनसी देनी चाहिए या नहीं? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, चेंज कर देना चाहिए बाबर आजम को। कौन आना चाहिए आपके ख्याल में? रिजवान को होना चाहिए, और वो एक ऐसा प्लेयर है कि मुझे लगता है कि वो पूरी टीम को लेके चल सकता है। रिजवान एज अ बैट्समैन अच्छा, तो क्या लगता है कि कैप्टन भी एज अच्छा होगा? एज अच्छा होगा इंशाल्लाह। बाबर आजम भी एज अ प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन एज अ कैप्टन वो अच्छे नहीं निकले? नहीं निकले, बिल्कुल नहीं निकले, जिस तरह का हमने सोचा हुआ था और जिस तरह की हमारी थिंकिंग थी कि आगे हमें जो चीज़ें नजर आ रही थी वो बिल्कुल अगेंस्ट जा रही हैं। क्या लगता है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाएगा? अगर इसी तरह कम बै इस तरह खेलते रहे तो फिर तो मेरे ख्याल कोई मुश्किल है। अगर ये यारियां बेरियां चलती रही तो डेफिनेटली नहीं करेगा। अगर तो ये चीज़ें निकाल देते हैं कि भी अब पाकिस्तान ने आगे जेन से निकाल दें कि मेरे को यार भी हैं, दोस्त भी हैं, और मैं इनको साइड पे रखता हूँ, कुछ जिनकी हकदार हैं वो आगे आते हैं, तो डेफिनेटली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकता। पर्चियाँ कितनी हैं इस टाइम पाकिस्तानी टीम में? अच्छी तो डेफिनेटली सारी पर्चियाँ, मैं देखूँ तो 11 के 11 पर्चियाँ, 15 के 15 पर्चियाँ, 15। इसमें एक चाचा इफ्तिखार को निकाल दो, और उसके अलावा मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो मतलब वहाँ पे खेल सके। मोहम्मद रिजवान, रिजवान क्या मतलब क्या करता है? खेल रहा है ठीक है, जस्ट कर रहा है, लेकिन जब चेस करने की बारी आती है, जब मौका मिलता है, तब तो कोई मुझे फाइनली कोई नज़र नहीं आता। और अगर वो इतफाक से अगर 100 रन और भी जाते हैं तो इसे गेम नहीं कहते, गेम्स कहते हैं। अगर इंडिया के प्लेयर्स में से सीखो, जिन्होंने जिसके ओपनर भी बैट्स हैं बेस्ट हैं और जिनके बॉलर्स भी बेस्ट हैं, और इसके बाद आप देख लो न्यूजीलैंड को देख लो, और उसके बाद आप देख लो क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका को, बेसिकली आप अफगानिस्तान को देख लो यार, कुछ थोड़ी बहुत ही हया शर्म होती है, वो भी नहीं है हमारे अंदर। अल्लाह करे कि अब ये चारों के चारों मैच जीत जाएं, तो डेफिनेटली जीत सकते हैं। सर, अफगानिस्तान का जो मैच था टोटली वन साइडेड हो गया है, ऐसे लग रहा था कि क्रिकेट हमने अफगानियों को नहीं सिखाई, अफगानियों ने हमें क्रिकेट सिखाई है। देखो, अफगानी जो है ना वो अपनी औकात से भी बाहर है, मैं डेफिनेटली आपको सीधी बात कहूँ, क्योंकि शुरू से हमने उनको सिखाया है। अब जब अगर वो एक मैच बाई चांस हमसे जीत ही चुके हैं, और हमारी नाइली की वजह से, हमारे कप्तान की नाइली की वजह से, जहाँ पे हमारे इतने सीनियर प्लेयर बैठे हैं, मोहम्मद आमिर द मोस्ट फेवरेट प्लेयर हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के, बल्कि पूरी दुनिया के जबरदस्त बॉलर हैं। अगर उसके साथ अपनी जाती राय और जाती इख्तलाफात रखी जाए तो फिर ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के हक के लिए नहीं खेल रहे। आप बाबर आजम का पुराना इंटरव्यू उठा के देख लें, वो आपसे पूछता है, वसीम अकरम पूछते हैं मेरे ख्याल के, मुझे बताएं कि आपका सबसे फेवरेट दोस्त, तो सबसे पहले था इमाम हक। तो इमाम हक ने पूरे वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी नहीं, टकेगी परफॉर्मेंस? पहले कौन सी परफॉर्मेंस थी उसकी?
पहले भी बता दे, पहले ऐसी परफॉर्मेंस हो, फखर की कोई वाले पहले ऐसी परफॉर्मेंस हो, जब तक आप इनको दो तीन एक मैच के बाद इनको ठुड्डा मार के बाहर नहीं ना बैठाते, इनके पैसे जब निकलेंगे ना तो अगली दफ़ा ये खुद आके परफॉर्मेंस करेंगे। तो हमें जो है ना डेफिनेटली अगर देखा जाए तो दो प्लेयर जो है ना वो हमें इस वक्त चंगे मिल गए हैं, समझ लो सऊद शकील और अब्दुल्ला, इनके साथ अगर थोड़ी बहुत ही और शफकत की जाए तो कर सकते हैं, वरना अगर वो भी इनमें रहे गंदे अंडे के साथ तो फिर गंदे अंडे बनेंगे डेफिनेटली। और अफगानियों की बात करें तो लास्ट में वही अफगानियों के हमने इनको सिखाया है, और उसके बाद वो एक मैच जीतने के बाद और एक वो जो उनके उसने कर दिया उनको जी जो अफगान महाजरीन थे उनके नाम रन किए हैं, मैं यार कहता हूँ कि 4 साल हमने आपको पनाह दी है, इस तरीके किसी और जगह पे जाके पनाह लेंगे ना तो 2 मंथ के अंदर आपको ठुड्डे मारेंगे और आपकी औकात भी यही होगी कि आपको ठुड्डे इंडिया से पढ़ने चाहिए, बाकी इनको वक्त पता चल जाएगा इंशाल्लाह। तो बाबर आजम इन फ्यूचर आप देख रहे हैं उनको कैप्टन या फिर किसी और को देख रहे हैं? यार अगर वो कैप्टन से बाहर निकलेंगे अपनी रॉब और ये मतलब ठोस से बाहर निकलेंगे ना तो वो अच्छी परफॉर्म कर पाएंगे, अगर वो ये कहते हैं कि मेरी बल्ले बल्ले हो रही है, मैं कप्तान हूँ, मुझे पैसा ज़्यादा आ रहा है, मुझे फर्स्ट क्लास में पैसा मिल रहा है, तो डेफिनेटली कभी भी वो अच्छी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वैसे तो एक जो जो कप्तान होता है उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, धोनी ले लो, विराट ले लो, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी कप्तानी में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मैच जीते हुए हैं, और एक मतलब इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था धोनी ने, और इसमें क्या कह सकते हैं, कप्तानी कमज़ोर चीज़ नहीं है, ये तो आपको मजबूत करती है, आप अकेले वहाँ पर लड़ जाते हैं। बाज़ वक़्त हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना तो अगर कोई बंदा कप्तान होता है ना तो सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस उसकी होती है, और वो परफॉर्मेंस इसलिए देता है कि मेरा फेस ख़राब होना है, और वो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और 11 के मुकाबले में वो खेलता है, और ये क्या करता है, कुछ भी नहीं, कभी 109 बॉल पे 58 रन बन जाते हैं, कभी कितने, ऐसे नहीं क्रिकेट खेली जाती। क्रिकेट खेलने के लिए थोड़ा बहुत आपके अंदर पाकिस्तानी होने का मतलब खून होना चाहिए कि आपको पता होगा मैं स्पोर्ट्स मैन हूँ और मेरा काम बनता है कि मैं क्रिकेट खेलूँ।